अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन। आज जो है वो संडे है और इन जनाब को एवरी संडे लेकर आना पड़ता है पार्क, और पार्क में हम चाय भी ले आते हैं। घर के पास ही पार्क है हमारा, बहुत प्यारा सा, यानी कि पीसफुल सा। और जी मंडे को हम लोग गए थे ऐसे ही बस थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे, और ये है जी एप्पल प्लस पोमेग्रेनेट जूस, काफ़ी यम था, अच्छा था। और इसके साथ है जी ये अंडे वाला बर्गर, और ये भी बहुत मज़े का था, काफ़ी अरसे बाद खाया था तो और भी अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे आज जो है वो मुझे जाना है टेलर के पास, और क्योंकि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ दिनों बाद मुझे जाना है आउट ऑफ सिटी लाहौर, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी यानी कि शॉपिंग वगैरह और ये वो करना है। तो ये मैंने सूट लास्ट ईयर मुझे मेरी खाला ने दिया था, और जब मैं लास्ट ईयर गई थी लाहौर, तो ये वाला अब मुझे सिलवाना है। ये थोड़ा यानी कि विंटर स्टफ है, काफ़ी अच्छा है, और ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पूरी शर्ट पे, ब्लैक कलर तो होता ही बड़ा प्यारा है। वहाँ से वापसी पे मैं मार्ट गई थी अपने घर के करीब, कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे। मेरे बेटे के पैम्पर एज यूजुअल ख़त्म हुए हुए थे, वो इसके अलावा दो चार चीज़ें और लेनी थी, इनके लिए कुछ लाया ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जनाब ये कुछ चीज़ें नहीं थी, मेरी दो चार चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, क्योंकि ये हफ्ते में जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो फिर मैं जाके ले आती हूँ। सबसे पहले तो मैं लेकर आती हूँ पैम्पर्स का। आजकल ये जो है ये चार नंबर फोर लगा रहा है, और इसके अलावा पैम्पर कंपनी के अलावा मैं कोई ना कोई यानी कि दूसरा ब्रांड भी ट्राई करती रहती हूँ। कैनवे भी कर चुकी हूँ। इस दफ़ा मैंने कहा चलो ल्यू ट्राई करते हैं, बट ल्यू अच्छा नहीं है, क्योंकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, ल्यू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये मैं एक्स्ट्राज में इसलिए रखती हूँ कि ये थोड़े सही रहते हैं। खैर ये है जी हिमानी का एक तो मेकअप रिमूवर है, और ये क्लिनज़र है, बहुत ही अच्छा है, मैंने ये यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ये दो चार चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। तो आज जो है मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि सर्दी आने वाली आ चुकी हैं, इस तरह की सर्दी आ चुकी है कराची में कि यानी कि पंखा लगाओ तो सर्दी लग रही है, और पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है। ये प्याज का पानी मैंने निकाला है, एक प्याज का पानी इतना निकलता है। इसके अंदर जो है वो मैं डालूंगी विटामिन ई का कैप्सूल, जो यानी कि हेयर के लिए होता है। ये देखें हेयर अगर आपके बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, और आगे से पता है हेयर फॉल होने की वजह से थोड़े 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 बाल आपके जो हैं वो आगे से कम होने लग जाते हैं, तो ये बहुत बेस्ट है। हफ्ते में आप दो दफ़ा लगा लो, इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। जब भी यानी कि मेरे हेयर फॉल थोड़ा होने लगता है तो मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। और बस ये है कि एक फ्रेश फ्रेश बनाएं आप, उसी वक्त लगाएं, मेरे अब यानी कि एक टाइम के लिए ये बहुत है। तो ये जो है एक प्याज है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल है, और बस। जनाब आज जो है वो पता है विंटर में बहुत ज़्यादा आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ये मैंने मरियम परवेज़ का ये देखा था कोई टोटका, मैंने कहा चले आज ये ट्राई करते हैं। तो ये मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है दो चम्मच, और चीनी को लेकर बस पीस लिया है। ये दो चम्मच है। इसके अलावा जो है हम इसमें वैसलीन ऐड करेंगे, आपके घर में जो भी वैसलीन है वो आपने ऐड करनी है हाफ चम्मच। वो ऐड करने के बाद जो है आपके पास होना चाहिए लेमन ऑयल नहीं है तो इसके अलावा कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने लेमन ऑयल ले लिया था, ये हिमानी का ही है। तो लेमन ऑयल डालने के बाद जो है आपने फूड कलर डाल देना है कोई सा भी, ठीक है, दो तीन ड्रॉप। अब इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, और जो है इसको अप्लाई करना है अपने लिप्स पे, और उसको थोड़ा सा स्क्रब वगैरह करने के बाद आपने लिप्स को वॉश कर लेना है, और उसके बाद जो है कोई भी आपके पास वैसलीन हो तो आपने वो लगा लेनी है। अच्छा है, ये मैं दो तीन दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ। आज जो है वो थोड़ा मीठा खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा ज़रा मैं रस मलाई खाती हूँ, उससे पहले मैं रोल खा चुकी हूँ, लेकिन उसकी वीडियो बनाना मुझे याद ही नहीं रही बिल्कुल भी। आज जो है वो मैं दिल पसंद आई हूँ फेडरल बेरिया वाली ब्रांच पे। आज मैं खाऊंगी यहाँ से रसमलाई, और दिल पसंद की तो सारी ही चीज़ें अच्छी होती हैं।
ये है जी, मैंने मंगवाई है रसमलाई और बाकी लोगों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाई हैं। आप लोग अपने यानी कि विंटर में केयर कर रहे हैं या नहीं, तो अगर नहीं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो जाती है सर्दियों में। जो मैं ट्यूसडे को देकर आई थी टेलर को ड्रेस, ये सिल के आ गया है। मैंने उसको दो कलर की पाइपिंग बोला था, बट वो अपनी तरफ से, टेलर अपनी तरफ से कुछ ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो है मैं इसके ऊपर थोड़े से यानी कि मोती खुद ऐड कर दूँगी जब मार्केट जाऊंगी। तो ये इस तरह का जो है वो बना है, ये ऑर्गेन्जा है, इसके ऊपर जो है वो लाइंस डली हुई हैं, सिलाइयाँ डली हुई हैं और पाइपिंग लगी हुई है चारों तरफ तीन कलर की। तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो अब सही है जो बना दिया है। बट मैंने दो कलर की बोला था, एक मैंने सी ग्रीन और एक मैंने पर्पल, मैंने रेड कलर ऐड करने का नहीं बोला था उनको। ये है जी इसका ट्राउज़र सिंपल सा, और ये ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है सिंपल सी जो है वो धागे की सिलाइयाँ डली हुई हैं फॉन कलर की। और दुपट्टे पे भी ये है जिसका शफून का दुपट्टा, और दुपट्टे पे भी चारों तरफ इसी तरह की पाइपिंग है। दुपट्टे पे तो नो डाउट बहुत अच्छी लग रही थी ये मुझे। ये सूट भी मेरा सिल के आ गया है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने अपना पूरे हफ्ते का थोड़ा थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ यानी कि इस वीडियो में शेयर किया है। जनाब, जो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।